हेलो साथियों, तो आज हम सब जा रहे हैं भारत के छठे ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान का नाम है श्री भीमाशंकर धाम। ये देखिए, हम एंट्री गेट से अंदर जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। अंदर आने के बाद हम पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, दिल खुश हो गया। यहाँ आपको पूजा पाठ का सारा सामान मिल जाएगा। हमने भी धूप बत्ती ले लिया है और अब आगे चलते हैं। और ये यहाँ का पार्किंग एरिया है, आप देख सकते हैं। और पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे शिव जी के पैरों के छाप भी है। तो ये पहले गणेश मंदिर है। तो ये गणेश मंदिर बहुत ही पुराने जमाने से, श्री भगवान श्री राम जी के जमाने से ही है। और यहाँ का जो शिलाखंड है वो अपने आप ही उत्पन्न हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ दर्शन कर लेते हैं, फिर मैं और आगे चलूँगी। ओम गणेशाय नमः। गणेश मंदिर के बगल से ही मैं आगे जा रही हूँ। और मैं बता दूँ कि आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स पैदल हम लोग सफर चलते हैं। और यहाँ का सीन है, नज़ारा है, जो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे हमें हमारे शिव जी के दर्शन होंगे। और हम शिव जी ज्योतिर्लिंग और महादेव के पैरों के छाप और निशान भी देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। आज मेरे साथ आए हैं मेरे हस्बैंड और मेरी प्यारी सी बेटी। तो आज हम लोग तीनों चलते हैं और इस आधे किलोमीटर रास्ता का सफर तय करते हैं। तो इनसे मिलिए मेरे हस्बैंड। चलिए हम लोग चलते हैं। आज बहुत खूबसूरत जगह है। और ये देखिए वो मेरी डॉटर है जो कितना भागी जा रही है आगे आगे। रास्ते में ही एक और मंदिर दिखी है, तो अंदर जाती हूँ, देखती हूँ कौन से भगवान की मूर्ति है। तो चलिए फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ भी गणेश भगवान है। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अलौकिक है। और यहाँ से मैं आगे जा रही हूँ। और पता है यहाँ पे कभी कभी हाथी भी देखने को मिलते हैं। ये यहाँ हमें एक पॉन्ड दिख रहा है, देखती हूँ शायद लोटस का पॉन्ड है। तो देखती हूँ लोटस का ही पॉन्ड है। और ये अभी लगता है अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। और यहाँ शूटिंग भी हो रही है। फिलहाल हम पहुंच गए हैं शिव जी के पास फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अब महादेव जी के दर्शन कराती हूँ और उनके पैरों के छाप भी दिखलाती हूँ। और ये देखिए यहाँ कितनी प्यारी नंदी जी की मूर्ति है, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए कितनी प्यारी है। और यहीं पे राइट साइड में पत्थर पे बनी हुई भारत है, जो साइंस के चित्र है। ये देखिए आप, ये जा रहे हैं नीचे और ये सीढ़ियों से हम नीचे जाएंगे। साथियों, यहाँ पे कोई मानव निर्मित मंदिर नहीं है। ये जो भी आप देख रहे हैं वो सब प्राकृतिक है। और ये मैं नज़दीक आ गई हूँ शिव जी के पास। और यहाँ जल निकलता है पहाड़ से जो काफ़ी पवित्र होता है। ये कहा जाता है कि शिव जी के शिवलिंग से अभिषेक होकर ये जल निकलता है। यहाँ के बारे में आपको बता दूं कि कुंभकर्ण का बेटा भीमासुर ने अपने पिता के बदले के लिए प्रतिज्ञा की थी। देखिए फ्रेंड्स, ये जल है,
और तप करके बहुत शक्तिशाली हो गया था। जो शिव जी के अभिषेक से निकल रही है और ये काफी पवित्र जल है, इसी में हम हाथ मुंह धोते हैं और फिर शिव जी के पास जाते हैं। उसके बाद कामरूप पर आक्रमण करके वो कामरूप को अपने कब्जे में ले लिया था। कामरूप के राजा और उनकी पत्नी शिव जी की पूजा करने लगे। शिव जी प्रसन्न हुए और भीमासुर के बर्बरताओं के जानने के बाद भीमासुर की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिए। ये यहाँ मैं हाथ पर धो लेती हूँ, चलती हूँ। पता है यहाँ पे छोटी छोटी सी फिश भी है। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने आकर शिव जी की से प्रार्थना किया कि वो कामरूप में अपना स्थान रखे और इस जगह का ख्याल रखे। के बाद शिव जी यहाँ विराजमान हुए और सभी से इस जगह का नाम भीमाशंकर पड़ गया। यह कहानी शिव पुराण जन संहिता से ली गई है। शिव जी के जो देख रहे हैं आप फूलों के बीच में, वो शिव जी के शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शिव जी के पैरों के छाप कहाँ पे हैं दादा? ये बाबा का पैर है। बाबा का पैर वो जो चुनी लिया है ना, हाँ, वो माता गंगा का स्थान है, माता का चरण है, माता का स्थान वहाँ है। अच्छा, ये मैं टीका लगा लेती हूँ। पैरों के छाप साथियों, हमने महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप भी यहाँ आएँ, भोले बाबा के साक्षात दर्शन करें। भोले बाबा आप सबको सुखी रखें। धन्यवाद।